गाइस, वेलकम टू माय चैनल पेपर कॉर्न किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ वो है मशरूम कॉर्न की सब्जी। तो चलिए हम लोग इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। यहाँ पे ये लिया है प्याज, ये है टमाटर, ये है मिर्ची, लहसुन और ये है अदरक। अब यहाँ सूखे मसाले लिए हैं, ये है धनिया पाउडर, यहाँ पे ये है हल्दी पाउडर, ये कसूरी मेथी, ये लाल मिर्च, ये है जीरा पाउडर। यहाँ पे लिया है मैंने मशरूम, यह है कॉर्न, गरम मसाला, कश्मीरी मिर्च, नमक, तेल और यह धनिया पत्ती। अब चलिए हम लोग इसे पकाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक कढ़ाई को गरम कर लेंगे। ऑयल डाल के मैंने यहाँ कढ़ाई को गरम करने रख दिया है। अब जैसे ही गरम हो जाएगा तब मैं इसमें प्याज को ऐड करूँगी। ये देखिए हमारा तेल गरम हो गया है। अब इसमें मैं प्याज ऐड करूंगी। यहाँ मैं सारा प्याज को ऐड कर ली। अब ऐड करने के बाद अब हम लोग इसे भून के पकाएंगे थोड़ा, जबकि प्याज हल्का वाइट हो जाए तब हम लोग इसमें लहसुन और अदरक दोनों डालेंगे उसे भी भूनने के लिए। ये देखिए प्याज का धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है, तो अब इसमें हम लोग लहसुन भी डालेंगे और जो कटी हुई अदरक है वो हम लोग डाल के इसी प्याज के साथ पकाएंगे। ये लहसुन डाल दिया मैंने, यहाँ पे अदरक भी डाल दिया। अब हम लोग इसे भून के प्याज के साथ ही पकाएंगे। हम लोग को प्याज को हल्का लाइट गोल्डन करना है भून के। यहाँ देखिए प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, तो अब हम लोग इसमें जो हरी मिर्च है वो अभी ऐड कर देंगे। आप लोग अपने हिसाब से मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा तीखा बनाऊँगी। ये देखिए अब हम लोग को मिर्ची को भी प्याज लहसुन अदरक के साथ भूनना है और इसे भी हल्का पकाना है। ये देखिए कितना अच्छा प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे प्याज जब आधी पक चुकी है तो अब हम लोग इसमें जो कटे हुए टमाटर हैं वो अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे और उसे भी प्याज के साथ पकाएंगे। ये देखिए अब जब टमाटर डाला है मसालों में तो अब हम लोग को इसमें हल्का नमक डालना पड़ेगा ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए और जल्दी गल जाए। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच के करीब नमक को डाला है और अब हम लोग इसे पकाएंगे। ये देखिए मसाले लगभग भून चुके हैं, टमाटर भी हल्का सॉफ्ट हो गया है, तो अब हम लोग गैस को ऑफ कर देंगे और इस मसाले को हम लोग को ठंडा होने के लिए रख देना है। और ऐसे साइड करके एक्स्ट्रा तेल जो है वो हम लोग निकाल लेंगे और मसाले को ऐसे प्लेट में फैला के इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये देखिए मसाला ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे ब्लेंडिंग जार में डाल के और इसमें ब्लेंडिंग जार में डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसकी एक अच्छी सी पेस्ट बना के तैयार कर लूँगी। ये देखिए पेस्ट तैयार है। अब हम लोग सेम कढ़ाई में अगर ज़रूरत है तो ऑयल डालेंगे, नहीं तो वही ऑयल को गरम करके और ये जो पेस्ट है वो हम लोग उसमें ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हम लोग इसे भूनेंगे।
ये मसाला हल्का भुना हुआ है तो इसमें पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर भी हम लोग को 2-3 मिनट भूनना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं जो पाउडर मसाले हैं वो मैं अब इसमें ऐड करूँगी और उन्हें भी इस मसाले के साथ पकाऊँगी थोड़ा देर। ये देखिए मैं अभी ये सब सभी को मैं एक साथ ही डाल के इसमें पका दूँगी। मसाला जब पक जाएगा तो एक अच्छा सा कलर उसमें दिखने लगेगा। ये मैं थोड़े थोड़े देर पे ढक ढक के पकाऊंगी इसे, क्योंकि ये बहुत छींटे आ रही हैं बाहर। ये देखिए मसाला कितना सुंदर लग रहा है, पकने के बाद कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है और दिखने में भी अच्छा लग रहा है। अब मैं यहाँ जब मसाला लगभग भुन चुका है तो मैं यहाँ पे कॉर्न को ऐड करूँगी। ये फ्रोज़न कॉर्न है तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो अब मैं इसे भी मसाले के साथ भूनूंगी। ये देखिए मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसमें गरम मसाला करीब 1 टीस्पून डालूंगी और उसे भी इस मसाले के साथ मिक्स करूंगी। और हाँ, यहाँ पे मैंने थोड़ी से नमक ऐड किया था, क्योंकि नमक जो मैंने स्टार्टिंग में ऐड किया था वो थोड़ा ज़्यादा था और यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही ऐड किया था। आप लोग नमक थोड़ा ध्यान से डालें। यहाँ देखिए ये मसालों को हम लोग को अच्छे से एकदम पकाना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है गैस पे, नहीं तो जल जाएगा। बीच बीच में हम लोग को चेक करते रहना है इसको। ये देखिए अब ये मसाले बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुके हैं, तो अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने 1 गिलास के करीब पानी ऐड किया है इसमें। अब पानी ऐड करने के बाद इसे हल्का सा मिक्स करने के बाद मसालों में मैं इसे ढक के बॉयल आने तक के लिए रख दूँगी। इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए उसके बाद ही हम लोग इसमें मशरूम को ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने ढक दिया है, ये अच्छे से बॉयल आ गया है इसमें। तब मैं एक दो बार इसको चलाने के बाद अब मैं जो कटे हुए मशरूम है अब मैं इस मसाले में ऐड करूँगी और उसे भी इस मसाले में मिक्स कर दूँगी। ये देखिए अब हम लोग को मशरूम को भी थोड़ी देर पकने के लिए इस ग्रेवी में छोड़ना होगा। इसे पकने में अब ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगेगा। ये हम लोग बीच बीच में ढक के इसे पकाएंगे ताकि मशरूम जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए ग्रेवी आप लोग को जितना मर्जी जैसा चाहिए आप लोग अपने हिसाब से इसे पतला या गाढ़ा रख सकते हैं। ये वैसे भी ठंडी होने के बाद ग्रेवी थोड़ी थिक हो ही जाती है। यहाँ देखिए ये सब्जी लगभग बनके तैयार है। अगर आप लोग को मन हो तो अभी इस स्टेज पे हम लोग थोड़ा सा फ्रेश क्रीम ऐड कर लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको फ्रेश क्रीम नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हैं, बट मैं यहाँ 2 चम्मच के करीब फ्रेश क्रीम यहाँ पे ऐड करूँगी और उसे भी, इससे ग्रेवी की टेस्ट टेक्सचर बहुत ही चेंज हो जाती है। ये यहाँ पे सब्ज़ी बिल्कुल ही रेडी है। अब यहाँ पे जो कटे हुए धनिया पत्ता है वो मैं लास्ट में इसमें ऐड कर दूँगी और उसे भी मैं मिक्स कर लूँगी सब्ज़ी में। ये देखिए अब मैं इसे प्लेटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक बर्तन में इसे निकाल लिया है। ये देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं इसे थोड़े से गार्निश करूँगी, जो कि फ्रेश क्रीम से ही मैं इसे गार्निश करूँगी। देखिए
आप इस सब्जी को रोटी के साथ, राइस के साथ, फ्राइड राइस के साथ, किसी के साथ भी खाइए। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी है। आप लोग इसे ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग को कैसा लगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आप लोग को ये सब्जी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।